लेकिन जब बीजेडी सरकार थी उस टाइम से ही इसका नींव रखा जा चुका था, 150 करोड़ सबको कम्युनिकेट हो गया था, सारा अरेंजमेंट चल रहा था, तो इसको उससे लिंक नहीं किया जा सकता है। ये टोटली पॉलिटिक्स फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, सबमिट है। मैं अनिल कुमार सिंह विशाखापट्टनम से हूँ, मेरा अपना इंडस्ट्री है, फॉर्म का नेम अनिल सुनीता इंजीनियरिंग वर्क्स है और वो मशीनरी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड है और अपना सप्लाई इंडिजिनसली इंडिया में भी होता है, एब्रॉड में भी जाता है, लाइक इजिप्ट, सऊदी अरबिया या वियतनाम में जाता है। और ये बिजनेस समिट में ये फर्स्ट टाइम मैं शामिल हुआ हूँ और ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस प्लेटफॉर्म पर हम सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं और एक दूसरे को स्ट्रेंथ को पहचान करके हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। नहीं, ये ऐसा नहीं है, अभी ये सरकार अभी बदला है, इसका जो डेट्स वगैरह फिक्सेशन है वो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस टाइम से चर्चा में, तो ये नहीं बोल सकते हैं कि ये सरकार आने या दूसरा बदल जाने से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्योंकि ये पवित्र भूमि रहा है, ये पवित्र भूमि रहा है, जगन्नाथ भगवान का जगह रहा है। अभी यहाँ पर कहीं से भी, या उत्तराखंड हो या राजस्थान हो, कहीं से भी आना है तो ये एक धार्मिक प्लेस रहा है, तो उसका प्रारंभ जो है यहाँ से हो तो इसका भविष्य उज्ज्वल होगा। ये भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए इधर लोग आया है, यानी सरकार लेने, सरकार बनने के बाद नहीं लिया जा रहा है, इसके पहले इसका नींव रखा चुका था, ये डेट्स वगैरह फिक्सेशन हो गया था, बुकिंग चल रहा था, गवर्नमेंट तो अभी चेंज हुई है, लेकिन जब बीजेपी सरकार थी उस टाइम से ही इसका नींव रखा जा चुका था, 150 करोड़ सबको कम्युनिकेट हो गया था, सारा अरेंजमेंट चल रहा था, तो इसको उससे लिंक नहीं किया जा सकता है। ये टोटली पॉलिटिक्स फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, सबमिट है, इसको उससे कुछ लेना देना नहीं, राजनीति से लेना देना नहीं। हाँ, भगवान जगन्नाथ की धरती रहा है, ये पुण्य धरती है और ये शांति प्रॉस्पेरिटी ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इवन आप जब कलिंगा राज था उस वक्त भी सम्राट अशोक जब यहाँ आए तो यहाँ पर शस्त्र रख दिए थे, तो ये शांति का प्रतीक होता है, शांति जहाँ रहती है वहाँ प्रॉस्पेरिटी आता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए ये यहाँ पर आयोजन किया गया।